वे समय से फिल्मी पर्दे से दूर अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ। उसका गाना बेशरम रंग फिलहाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, पर ट्रेंड करने का कारण ट्रोलिंग है। आपको बता दें कि इस गाने को दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर फिल्माया गया है। इस गाने में दीपिका पादुकोण द्वारा जो स्विम सूट पहने गए हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है, जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद RSS और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड से भी कड़ी प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर फिल्माए गए गाने बेशरम रंग को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसे सुनिए। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं JNU वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए ये विचारणीय प्रश्न होगा। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान का जवाब देते हुए फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर लिखा कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से, अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ कार्य भी कर लेते। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कल कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के दौरान शाहरुख खान ने कहा कि नकारात्मकता सोशल मीडिया की खपत को बढ़ाती है और इस तरह इसके व्यावसायिक मूल्य को भी। इससे सामूहिक नैरेटिव को बल मिलता है जो सोशल मीडिया को विभाजनकारी और विनाशकारी बनाती है। सिनेमा एक काउंटर नैरेटिव को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। अब देखना लाजमी होगा कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की यह फिल्म किन राज्यों में जगह बना पाती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा इस फिल्म को बैन किए जाने की बात की जा रही है, यह देखना भी जरूरी होगा कि क्या मध्य प्रदेश में वाकई फिल्म पठान पर बैन लगेगा या नहीं। ऐसी और तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया पोल न्यूज। मैं हूं जय चमोली, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।